उत्पादन नियोजन प्रोडक्शन प्लानिंग। मानव स्वभाव में ही नियोजन है, मानव स्वभाव में ही नियोजन है, फिर प्रबंध की बात तो कुछ और है। वे नियोजन के बिना किसी भी कार्य का श्री गणेश ही करना संभवतः पाप समझते हैं। फलतः प्रत्येक प्रबंधक, चाहे वह वित्तीय प्रबंधक हो या शिविर के प्रबंधक अथवा विपणन प्रबंधक, नियोजन अवश्य करता है। उत्पादन प्रबंधक भी नियोजन से ही अपने कार्य को प्रारंभ करता है। हम उत्पादन नियोजन के कुछ आधारभूत पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। उत्पादन नियोजन का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। उत्पाद नियोजन उत्पादन प्रबंध का प्रथम कार्य कहा जाता है। भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का पहले से निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। अतः उत्पादन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भविष्य में किए जाने वाले उत्पादन कार्यों का वर्तमान में निर्धारण कर लिया जाता है। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं, उत्पादन नियोजन करके ये निर्धारित किया जाता है कि कौन सी वस्तु का कब कहाँ कितना व किस प्रकार उत्पादन किया जाएगा। उत्पादन नियोजन की अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। पहली परिभाषा है अल्फोर्ड तथा बीटी के अनुसार, उत्पादन नियोजन विभिन्न क्रियाओं की लंबी श्रृंखला के प्रत्येक कदम का पूर्वानुमान या रूप निर्धारण करने, प्रत्येक कदम सही स्थान पर सही मात्रा में तथा सही समय पर लेने तथा प्रत्येक कार्य अधिक कुशलता के साथ पूरा करने की तकनीक है। ये अल्फोर्ड तथा बीटी ने बताया। EFL ब्रेज के अनुसार, उत्पाद नियोजन किसी कार्य को कब किया जाना है के लिए समय सूची निश्चित करता है तथा इसे निर्गमित करता है, जिसमें सामग्री का स्टॉक के अभिलेख रखना, दीर्घकालीन और अल्पकालीन निर्माण कार्यक्रम तैयार करना, कार्यशाला तथा मशीनों पर कार्यभार निर्धारित करना तथा प्रगति पर निगाह रखना ही रखना शामिल है। विलियम आर स्पिगल ने कहा है कि उत्पादन नियोजन वह तकनीक अथवा प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंध निश्चित करता है कि किसका उत्पादन किया जाएगा तथा कहाँ उत्पादन तथा संयोजन किया जाएगा, असेंबल कहाँ होगा। मतलब इससे पूर्व निर्धारित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कागजी कार्रवाई की जाती है। विशिष्ट निर्देश विवरण बनाए जाते हैं तथा औद्योगिक वितरण विवरण तैयार किए जाते हैं। ये निर्माण इकाइयों को निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध करता है तथा वर्तमान प्रगति पर ध्यान रखने तथा भावी कार्य के पथ प्रदर्शन के लिए ये रिपोर्ट भी प्राप्त करता है। बेथल तथा अटवाटर या उनके साथ लेखों के अनुसार, उत्पादन नियोजन किसी एक नहीं अपितु अनेक विभागीय समूह द्वारा की जाने वाली संबंधित एवं समन्वित क्रियाओं की श्रृंखला है, जिसमें उस क्षेत्र में किए जाने वाले निर्माणी प्रयासों को पहले से ही व्यवस्थित कर लिया जाता है। कार्ल हेल ने अनुसार, नियोजन वह प्रबंध के कार्य हैं जिसमें भावी समय अवधि के निर्माणी कार्यों की सीमाओं को निर्धारित किया जाता है। ऊपरी परिभाषाओं का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन नियोजन उत्पादन कार्यों का पूर्व निर्धारण है। इस प्रक्रिया में यह निर्धारित किया जाता है कि कब कहाँ कितना किस प्रकार किसके सहयोग से उत्पादन किया जाएगा। इन सभी बातों के निर्धारण में संस्था की अन्य सभी क्रियाओं यथा क्रय विक्रय, सामग्री प्रबंध, इंजीनियरिंग, शिविर की इत्यादि से भी समन्वय स्थापित किया जाता है। नियोजन करते समय इन सभी कार्यों में आने वाली बाधाओं को भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में ही माल, मशीन तथा श्रम शक्ति की आवश्यकता, उत्पादन कार्यों का अनुक्रम तथा उत्पादन समय सारणी का भी निर्धारण कर लिया जाता है। निष्कर्ष रूप में, उत्पादन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संस्था के भावी उत्पादन कार्यों की प्रक्रियाओं, तकनीकों, संसाधनों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है, जिसे समाज की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उच्च किस्म की वस्तुओं का अधिकतम कुशलता एवं मितव्यता के साथ उत्पादन किया जा सके। विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स। उत्पादन नियोजन की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार प्रकट होती है। पहली, उत्पादन नियोजन एक प्रक्रिया है। उत्पादन नियोजन प्रक्रिया में यह निर्धारित किया जाता है कि किस वस्तु का कब कहां और कितना कैसा उत्पादन किया जाएगा।
उत्पाद नियोजन में भावी उत्पादन की प्रक्रियाओं, संसाधनों, तकनीकों, कार्यक्रमों आदि को निर्धारित किया जाता है। इसमें उत्पादन का मार्ग निर्धारण एवं अनुसूचन भी सम्मिलित है। उत्पाद नियोजन एक स्वतंत्र कार्य न होकर परस्पर निर्भर कार्य है। अतः उत्पाद नियोजन करते समय कार्य विक्रय सामग्री प्रबंध इंजीनियरिंग सेवर्गे आदि सभी कार्यों में समन्वय स्थापित करना होता है। उत्पाद नियोजन का उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अच्छे से अच्छा उत्पादन करना है। उत्पाद नियोजन के द्वारा यंत्रों एवं कार्यशाला पर कार्यभार को भली प्रकार निर्धारित किया जाता है। उत्पाद नियोजन अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कैसा भी हो सकता है। उत्पाद नियोजन उत्पाद नियंत्रण की पहली आवश्यकता है। ये बौद्धिक तकनीकी प्रक्रिया है, इसलिए इसमें कला विज्ञान दोनों का संगम पाया जाता है। अब उत्पाद नियोजन के उद्देश्य, उत्पाद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। उत्पाद नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, पूर्वानुमान द्वारा तथा विपणन विभाग से परामर्श करके संस्था के उत्पादों की मांग का अध्ययन करना। संस्था की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखकर उत्पादन नियोजन या मांग के अनुरूप उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का नियोजन करना। उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री, उपकरणों आदि का नियोजन करना। उत्पादन प्रक्रिया के लिए मानव संसाधन का नियोजन करना और उत्पादन के लिए सामग्री, उपकरण आदि के भंडारण की व्यवस्था करना। उत्पादन विधियों, प्रक्रियाओं, कार्यक्रमों आदि को निर्धारित करना। उत्पादन कार्यों का मार्ग निर्धारण एवं अनुसूचन करना। विभिन्न विभागों के नियोजनों एवं कार्यों में समन्वय बनाए रखना। और उत्पादन के संसाधनों का अधिकतम अनुकूलतम उपयोग करना। उत्पादन कार्यों के सफल संचालन के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अधिकारों एवं दायित्वों में संतुलन स्थापित करना। कुशल निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना और सभी कर्मचारियों को अपने क्षमता के अपने उपयोग का अवसर देना। और उत्पादन प्रक्रिया एवं अनुसूचन में व्यवधान होने पर सभी संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक सूचना देना। उत्पादन नीतियों, नियमों, कार्य विधियों की स्पष्ट व्याख्या करना। संकटकालीन परिस्थितियों के लिए वैकल्पिक योजनाओं का निर्माण करना। उत्पादन नियोजन के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। उत्पादन नियोजन के कार्यों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। उत्पादित किए जाने वाले माल की मात्रा का अनुमान करना, यानी उत्पादित किए जाने वाले माल के डिजाइन को ज्ञात करना तथा निर्धारित करना और उत्पादित किए जाने वाले माल की किस्म एवं मात्रा को निर्धारित करना। उत्पादित किए जाने वाले माल की किस्म के परमापों को निर्धारित करना, साथ ही उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाली सामग्री के परमापों का निर्धारण करना। उत्पादित किए जाने वाले माल के लिए आवश्यक यंत्रों, संसाधनों आदि के स्रोतों को निर्धारित करना, किस प्रकार उनको प्राप्त किया जाएगा। उत्पादन करने का समय निर्धारित करना, उत्पादन में लगने वाले समय को निर्धारित करना और उत्पादन कार्य एवं परमापों, उत्पादन कार्य एवं सामग्री आपूर्ति कार्यक्रम निर्धारित करना ताकि आवश्यक सामग्री एवं श्रम की यथा समय आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। संयंत्रों, मशीनों एवं उपकरणों की क्षमता को निर्धारित करना। संयंत्र मशीनों के उपयोग की अनुसूचित किया करना ताकि मशीन एवं मशीन चालक यथा समय उपलब्ध हो सके तथा संयंत्र मशीनों का अनुकूल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उत्पादन डिजाइन तथा विक्रय विभाग से निकट संबंध बनाए रखना जिसमें मांग के अनुरूप उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सके। सामग्री की भंडारण नियोजन नियमन करना, आंतरिक पेमेंट का नियोजन करना आदि उत्पाद नियोजन के कार्य हैं। नेक्स्ट है उत्पादन नियोजन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उत्पादन नियोजन के क्षेत्र, उत्पादन नियोजन का क्षेत्र, उत्पादन नियोजन के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख कार्यों का नियोजन शामिल है। पहला, उत्पाद या सेवा नियोजन, प्रोडक्ट और सर्विस प्लानिंग। उत्पाद प्रबंध नियोजन में सर्वप्रथम उत्पाद या सेवा का नियोजन किया जाता है। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि संस्था को किन किन उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन करना है। वस्तुतः संस्था के संपूर्ण उत्पादन मिश्रण को ही निर्धारित किया जाता है। उत्पाद मिश्रण के साथ ही उत्पाद डिजाइन, रंग रूप, आकार भी निर्धारित किया जाता है। उत्पाद मिश्रण संबंधी कार्यों का नियोजन संस्था के सामान्य नीतियों को ध्यान में रखकर तथा विपणन विभाग से परामर्श करके किया जाता है। क्षमता नियोजन, कैपेसिटी प्लानिंग।
उत्पाद नियोजन के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य उत्पादन क्षमता का नियोजन करना है। उत्पादन क्षमता नियोजन करते समय निम्नलिखित कार्यों को करना पड़ता है। मांग पूर्वानुमान करना। सर्वप्रथम मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है। मांग पूर्वानुमान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न बाजार परिस्थितियों में संस्था के विभिन्न उत्पादों की भावी मांग का अनुमान लगाया जाता है। प्रतिक्रियाओं या प्रतिस्पर्धा का अनुमान लगाना। मांग पूर्वानुमान के साथ ही क्षमता नियोजन करते समय संस्था के प्रस्तावित उत्पाद मिश्रण के प्रति ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं भी ज्ञात की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्पादों के समक्ष उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा का भी अनुमान लगाया जाता है। उत्पादन की भौतिक क्षमता का अनुमान लगाना। प्रस्तावित उत्पाद मिश्रण में या उत्पादों की मांग तथा प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए भावी मांग के अनुरूप संस्था की भौतिक उत्पादन क्षमता का नियोजन किया जाता है। भौतिक उत्पादन क्षमता का नियोजन करते समय सामग्री संयंत्र मानव संसाधन शक्ति के साधनों आदि को ध्यान में रखा जाता है। वैकल्पिक क्षमता योजनाओं का निर्माण। भौतिक क्षमता का नियोजन कर लेने के बाद उसकी वैकल्पिक योजनाएं भी तैयार की जाती है। इसमें इस बात की वैकल्पिक योजनाएं तैयार की जाती है कि किसी अन्य प्रकार से उत्पादन की भौतिक क्षमता बढ़ाया या सज्जित किया जा सकता है। इस हेतु उत्पाद मिश्रण की वैकल्पिक मात्राओं का भी नियोजन किया जाता है। इससे विभिन्न भिन्न भिन्न उत्पादों की भिन्न भिन्न मात्राओं में उत्पादन करने की संभावनाओं की कई वैकल्पिक योजनाएं तैयार हो जाती है। वैकल्पिक योजनाओं का मूल्यांकन करना। तत्पश्चात इन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। उत्पादन की मात्रा या उत्पादों की संख्या बढ़ाने के विकल्पों में प्रायः लागत बढ़ती है। ऐसी स्थिति में उत्पादन लागतों का तुलनात्मक अध्ययन करके विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में सभी विकल्पों का लागत लाभ विश्लेषण कर लेना चाहिए। श्रेष्ठ क्षमता योजना का चयन करना। अंत में एक श्रेष्ठ क्षमता योजना का निर्णय कर लेना चाहिए। क्षमता योजना वह श्रेष्ठ होती है जो संस्था के उद्देश्यों तथा योजनाओं के अनुरूप हो तथा लागत और लाभों की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो। सुविधा नियोजन फैसिलिटीज प्लानिंग। उत्पाद नियोजन के क्षेत्र में उत्पादन सुविधाओं का नियोजन भी आता है। इस संबंध में निम्नलिखित दो प्रमुख सुविधाओं के संबंध में नियोजन निर्णय करना होता है। सुविधा स्थान नियोजन तथा सुविधा अभिविन्यास नियोजन। स्थान का एक तो एक अभिविन्यास का विनियोजन नियोजन करना। सुविधा स्थान नियोजन फैसिलिटी लोकेशन प्लानिंग। इसमें उस स्थान का चयन नियोजन किया जाता है जहां पर उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जहां पर उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा। स्थान के चयन की योजना बनाते समय सामान्य निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए। कच्चे माल तथा आपूर्तिकर्ताओं से दूरी तथा उन तक पहुंचने की सुविधा, परिवहन व संचार साधनों की सुविधा, ग्राहकों की सुविधा, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धि, मानव संसाधनों की लागत, आवश्यक सुविधाओं यथा पानी, विद्युत, बैंक, बीमा कंपनी आदि, सरकारी सुविधाएं व प्रेरणाएं करों की दरें। स्थान निर्धारण करने में सामान्यतः परंपराओं का अधिक पालन किया जाता है। अतः जहाँ उसी तरह का उत्पादन कार्य पहले से हो रहा होता है, नई संस्था भी वहीं पर अपना उत्पादन स्थान चुन लेती है। किंतु प्रत्येक संस्था को स्थान के चयन एवं नियोजन में अपनी सुविधा को भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है सुविधा अभिविन्यास नियोजन फैसिलिटी लेआउट प्लानिंग। सुविधा अभिविन्यास नियोजन के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि उपलब्ध कार्यस्थल का किस प्रकार श्रेष्ठ उपयोग किया जाएगा। इससे प्रत्येक कार्य के वास्तविक स्थान तथा कार्य प्रवाह की दिशा स्पष्ट हो जाती है। किंतु स्थान अभिविन्यास नियोजन करने से पूर्व उत्पादन प्रक्रिया का नियोजन करना पड़ता है। उत्पादन की नई प्रक्रिया जैसे सतत प्रक्रिया, खेप प्रक्रिया, इनमें से किसी भी उपयुक्त प्रक्रिया का चयन कर लिया जाता है। यानी एविता उत्पादन प्रक्रिया है, बेच उत्पादन प्रक्रिया। उत्पादन प्रक्रिया नियोजन करने के बाद स्थान अभिविन्यास का नियोजन किया जाता है। स्थान अभिविन्यास की अनेक विधियां हैं जैसे प्रक्रिया अभिविन्यास, उत्पाद अभिविन्यास, निश्चित स्थिति अभिविन्यास इत्यादि। इनमें से सुविधा अनुसार अभिविन्यास कार्य का प्रारूप का चयन करके नियोजन किया जाता है। किंतु एक प्रभावशाली सुविधा अभिविन्यास में निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उत्पादन, उत्पाद की प्रगति, उत्पादन की मात्रा, उत्पादन का किस्म, उत्पादन प्रक्रिया, मशीनों एवं उपकरणों की प्रगति, यंत्रों के अनुरक्षण एवं प्रतिस्थापन की आवश्यकता, उपलब्ध कुल स्थान, संयंत्र की स्थिति, कर्मचारी, माल ढोने का मार्ग या प्रवाह, अन्य संबंधित क्रियाओं से समन्वय, अन्य संबंधित क्रियाओं से दूरी इत्यादि। चौथा क्षेत्र है प्रौद्योगिकी नियोजन टेक्नोलॉजी प्लानिंग।
उत्पाद नियोजन के अंतर्गत प्रौद्योगिकी नियोजन भी सम्मिलित है। उत्पादन नियोजनकर्ता को प्रौद्योगिकी या तकनीक की प्रकारता, मात्रा, टाइप एंड अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों का नियोजन करना चाहिए। प्रौद्योगिकी पूर्णतः श्रम प्रदान एवं पूर्णतः पूंजी प्रदान है। हाईली लेबर इंटेंसिव टू हाईली कैपिटल इंटेंसिव पाई जाती है। वर्तमान युग में पूंजी प्रदान प्रौद्योगिकी का स्वरूप भी निरंतर बदलता जा रहा है। अतः उत्पादन नियोजन करते समय नियोजन करने वाले को निर्धारित करना पड़ता है कि वह किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करना चाहता है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का तीव्र गति से विकास हो रहा है। अतः उत्पादन नियोजन करते समय कंप्यूटर उत्पादन आजकल कंप्यूटर का तीव्र गति से विकास होता रहा है। अतः उत्पादन नियोजन करते समय कंप्यूटर उत्पादन तकनीकों में से उचित तकनीक का चयन करना चाहिए। कंप्यूटर संबंधित उत्पादन के क्षेत्र की प्रमुख तकनीकें निम्नानुसार है। कंप्यूटर समन्वित निर्माण, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और CIM यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इस तकनीक के द्वारा उत्पाद डिजाइन, निर्माण प्रक्रिया, स्कैन नियंत्रण, लोहशील उत्पादन, स्वचालन रोबोट, स्वचालित भंडारण आदि का संचालन नियंत्रण कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। दूसरा है कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और इसको बोलते CADCAD। इस तकनीक में इंजीनियर कंप्यूटर टर्मिनल पर डिजाइन तैयार करके निर्माण में सहयोग देते हैं। तीसरा है कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्माण, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी CAM, वो था किम ये था CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इस तकनीक में कंप्यूटरों की मदद से डिजाइन सूचनाओं को स्वचालित रूप से निर्माण प्रक्रिया में लागू किया जाता है। और लोहशील निर्माण प्रक्रिया, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इस प्रौद्योगिकी में कई स्वचालित उपकरणों यंत्रों को एक साथ कंप्यूटर की सहायता से संचालित करके निर्माण प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। इससे विभिन्न संख्या से में उत्पादन निर्माण किया जा सकता है। स्कैन नियोजन, इन्वेंट्री प्लानिंग, उत्पादन नियोजन करते समय स्कैन का नियोजन भी किया जाता है। इसमें इस बात का नियोजन किया जाता है कि स्कैन का आदेश कब कितनी अवधि बाद दिया जाएगा, तथा स्कंद का स्तर कितना बनाए रखा जाएगा। स्कंद नियंत्रण के संबंध में एक आगे अपन चैप्टर उसमें अध्ययन करेंगे। मानव संसाधन प्रवाह नियोजन, रिसोर्स रूट प्लानिंग, उत्पादन नियोजन के लिए संसाधन यथा कच्चा माल, सामग्री, उपकरण आदि के प्रवाह का नियोजन भी किया जाता है। इसमें माल, उपकरण आदि निर्माण प्रक्रिया के क्रम में यथा समय पहुंचाने की मदद मिलती है। इसके संबंध में भी एक अध्याय है जिसका आप अपन आगे अध्ययन करेंगे। संसाधन अनुसूची नियोजन, रिसोर्स शेड्यूलिंग प्लानिंग, उत्पाद नियोजन के अंतर्गत संसाधनों के अनुसूचन का नियोजन भी सम्मिलित है। इसमें उत्पादन प्रक्रिया में काम आने वाले संसाधनों के अनुसूचन का नियोजन किया जाता है। इससे उत्पादन के सभी कार्य सही समय पर सही संसाधनों की मदद से पूरे करने में मदद मिलती है। अब किस्म नियोजन, क्वालिटी प्लानिंग, उत्पाद नियोजन में किस्म का नियोजन भी सम्मिलित है। इसमें इस बात का नियोजन किया जाता है कि उत्पादन की किस्म का स्तर क्या होगा, तथा किस्म के स्तर को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए भी अलग से चैप्टर आगे हैं, उसका अपन अध्ययन करेंगे। इस प्रकार उत्पाद नियोजन के इन क्षेत्रों के आधार पर उत्पादन कार्य किया जाता है। धन्यवाद।